साइड से चलने के लिए है और दो ठो स्पीकर भी लगा हुआ है यहाँ पे, म्यूजिक चलते रहेगा। और यहाँ का डिजाइन देख सकते हैं, काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, काफी मस्त। और यहाँ से पानी गिर रहा है ऊपर से झरना। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है और एक नई ब्लॉग में। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी भी धूप काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि गर्मी बढ़ चुका है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा है। जैसे क्लास से आ रहे थे दोपहर में 12 बजे, छुट्टी होने के बाद इतना गर्मी पड़ रहा था, इसके वजह से मैं आज स्कूटी लेके गए थे, तो बाकी दिन साइकिल से ही जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज कहीं और जाके एक छोटा सा राइड करते हैं, कुछ जगह सब जाते हैं देखने के लिए, घूमते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है दूधी चुहा का, तो यहाँ पे छोटे मोटे दुकान है, यहाँ पे मिल जाता है सामान सब। चलते हैं रोज गार्डन, देखते हैं खुला है कि नहीं खुला है, उसके बाद देखा जाएगा फिर क्या होता है। भाई साहब अभी भी इतना गर्मी पड़ रहा है, 5 बज गया फिर भी, दिन में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, रूम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। और सीधे सामने देख सकते हैं इधर मंदिर पड़ता है दूधी चुहा का, दोनों साइड में है, तो मुझे सी यहाँ होके लेफ्ट होके जाना है। चलिए आज दिखा ही देते हैं रोज गार्डन कहाँ पे है भाई साहब। तो यहाँ से मुझे लेना है राइट, पहले चलते हैं रोज गार्डन, उसके बाद देखते हैं वहां से क्या है माहौल। बहुत दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद कभी गए नहीं हैं, अभी खुल गया है कुछ दिन पहले से। तो ये थोड़ा संकरा जगह है पार होने के लिए, फोर व्हीलर नहीं है, टू व्हीलर पार होते हैं यहाँ से, और रास्ता थोड़ा सा यहाँ खराब है। तो भाई साहब ये रहा जयंत, जितना भी यहाँ पे है सब जयंत का क्वार्टर है, सब दिख रहे हैं ना भाई लोग, ये सब जयंत का क्वार्टर है। तो बस कुछ ही दूर में पहुंच गए हम। तो लो जी हम पहुंच गए हैं अब रोज गार्डन। तो ये रहा रोज गार्डन, तो अंदर जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। ये है भाई साहब रोज गार्डन, तो यहाँ से अपन जा सकते हैं। एंट्री देना है यहाँ पे, पहले ऐसे नहीं था, तो अभी फिलहाल कर दी है एंट्री। और काफी टॉय ट्रेन भी है आगे साइड में, जाके देखते हैं उसके पता चलेगा, फिर साइड से जाते हैं इधर का माहौल देखते हैं भाई क्या है। यहाँ पे पिचकारी चल रहा है पानी का, काफी बढ़िया है, काफी मौसम अभी अपना क्वालिटी सही नहीं आएगा, उसके भी सीधे सूरज आ रहा है सामने से। तो भाई साहब देख सकते हैं ये है रोज गार्डन, अभी घुमाते हैं ना आप लोगों को, यहाँ का पूरी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइस अभी हम साइड साइड चल रहे हैं, इधर साइड साइड होके मतलब बीच से नहीं जा रहे हैं, घेरा के किनारे किनारे जा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं काफी खूबसूरत नज़ारे हैं देखने को मिल रहे हैं, और आगे जाते जाएंगे तो और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आते रहेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, मज़ा आएगा भाई लोग। चलते हैं आगे और कुछ और दिखने को मिलेगा, अभी तो जस्ट शुरुआत है, आगे आगे और क्या क्या मिलेगा देखने को।
चलते चलते बहुत दूर आ गए हैं इधर, और जाते हैं आगे तक। कुछ तालाब उलाब था शायद आगे में देखने को मिलेगा, तो इधर देख सकते हैं भाई लोग काफी बढ़िया है रे। बहुत दिन के बाद आए हैं और बांध बंद था इसलिए अभी फूल सभी बढ़िया खिला हुआ है, मतलब सब ठीक ठाक है, अभी कोई तोड़ा उड़ा नहीं करता है। और पहले के अपेक्षा अभी काफी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, मतलब अभी साइन करके घुसना पड़ रहा है अंदर में, तो पहले ऐसे नहीं था, अभी बिल्कुल चेंज हो गया है लॉकडाउन के बाद में, तो काफी बढ़िया है। तो भाई साहब देख सकते हैं काफी अल्टीमेट नजारा दिख रहा है मेरे पीछे की तरफ, दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हैं, काफी मस्त काफी बढ़िया नजारा आ रहा है, देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं भाई लोग काफी बढ़िया है रे। मजा आता है ऐसे ऐसे जगह में आने के बाद, दिल खुश हो जाता है, काफी बढ़िया लग रहा है। तो चले आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं कुछ और, आगे देखते हैं वहां भी पानी का फुहारा। और क्या भाई साहब पूरा सूख चुका है शायद, दूर से ही दिख रहा है, सामने जाके देखते हैं, सामने से कुछ अलग नजर आएगा देखने को। और आगे पानी का फुहारा है वो सभी दिखाएंगे, तो पहले यहाँ पे जाते हैं सामने जो दिखाने तालाब का नजारा क्या है यहाँ का, तो यहाँ से देखने को मिलेगा, पूरा सूख चुका है, थोड़ा बहुत पानी बचा है। तालाब जो कि काफी बढ़िया था लेकिन पानी बिल्कुल सूख चुका है अभी, और बीच में पेड़ है, तीन पेड़, महुआ का पेड़ लगा हुआ है और उसको बाउंड्री किया हुआ है इस टाइप से कि देखने में भी काफी सुंदर लग रहे हैं देखने में। और उधर पानी का फुहारा निकल रहा है वहां पे देखने को मिलेगा, जूम करके दिखाते हैं, तो ये रहा पानी का फुहारा, देख सब देख रहे हैं ना काफी बढ़िया नजारा है, तो उधर भी जाके देखते हैं, पूरा एक चक्कर लगते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। इधर देख सकते हैं काफी बढ़िया व्यू है यहाँ से, फिर यहाँ से चलो निकलते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं कुछ अलग। अलग तो क्या, जो दिखेगा वही देखेंगे। अरे पानी वहाँ फुहरा अभी निकल पड़ा है, लग रहा है ना अभी बढ़िया, जबरदस्त जिंदाबाद। और साइड से चलने के लिए है, और दो स्पीकर भी लगा हुआ है यहाँ पे, म्यूजिक चलते रहेगा। और यहाँ का डिजाइन देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ तो, काफी मस्त। और यहाँ से पानी गिर रहा है ऊपर से झरना, तो दोस्तों वहाँ भी गुफा के अंदर है देख सकते हैं, पूरा बनाए हुए हैं, उसके ऊपर छाप है, छत के ऊपर से भी जाके देख सकते हैं, तो यहाँ काफी बढ़िया है, लाइट वाइट पूरा लाइटिंग वाइटिंग किया हुआ है गुफा के अंदर में, तो यहाँ से खत्म है, काफी बढ़िया बनाया है। तो भाई देख रहे हैं पीछे पानी गिर रहा है, काफी बढ़िया आ रहा है, पानी के सामने खड़े हुए हैं हम, मेरा झरना बनाया है, काफी बढ़िया है, बढ़िया देखने में लग रहा है, काफी बढ़िया खूबसूरत नजारा, ब्यूटीफुल ऐसे है कुछ नजारा है यहाँ पे। और अंदर में तो गुफा दिखाई भी है, ऊपर चढ़ने के लिए है तो चढ़ के दिखाते हैं, ऊपर से जाकर देखते हैं क्या है क्या नहीं, देखने आके आए हैं और यहाँ पे काफी ऐसे बनाया है, छत के ऊपर भी ये झरना है, तो यहीं से गिर रहा है पानी, तो देख सकते हैं काफी बनाए हैं, बढ़िया बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, एक नंबर, देख सकते हैं देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। Thank you.
गाइस देख सकते हैं पीछे पानी का फुहारा है, चलने के लिए बनाया हुआ है बहुत बढ़िया। तालाब के बीचों बीच में रास्ता है, यहाँ से अभी निकलते हैं, यहाँ से हो गया फाइनली, और इधर से निकल जाएंगे। एक चक्कर लगा लिए, एक चक्कर हो जाएगा अभी, तो चलिए मिलते हैं आगे की तरफ। बड़ा बरगद का पेड़ है और उसका चारों तरफ ऐसे गोल गोल मटका जैसे बनाया हुआ है, मटका ही समझ लीजिए, उसको उल्टा कर दिया है तो ऐसे है, काफी बढ़िया है। तो यहाँ का देख सकते हैं अभी काफी बढ़िया फूल वूल है लगा हुआ है चारों ओर, और यहाँ पे पानी उनी भी है। तो ये हमारे संस्कृति को दर्शाता है, काफी बढ़िया बनाया है, एक नंबर लग रहा है। वाओ भाई क्या नजारा है यहाँ, तो लग रहा है स्वर्ग में पहुंच गए हैं, काफी मस्त नजारा, अल्टीमेट। भाई साहब ट्रेन दिखाते हैं, अभी चल रही है पटरी पे, यहाँ से देखने को मिलेगा, आ रही है धीरे धीरे टुबुर डुबुर। तो ये रहा रोज गार्डन का टॉय ट्रेन, इसका आनंद ले सकते हैं आप लोग यहाँ आके, काफी बढ़िया लगेगा, एक चक्कर मारेगा पार्क। तो चला गया, तो गए जो यहाँ से अब निकलने का समय हो चुका है, मतलब प्रस्थान करते हैं आप यहाँ से आगे की तरफ, मतलब पार्क से बाहर जाते हैं क्योंकि समय हो चुका है बिल्कुल, और बाजार भी जाना है, सब्जी वब्जी भी लेना है, इसके वजह से फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। पूरा एक चक्कर हो गया पार्क का, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।